एक बार एक गरीब लड़का कुछ बेच रहा था क्योंकि उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। सामान बेचते बेचते जब वो थक गया तो उसे भूख लगी। उसने सोचा कि किसी घर जाकर मदद मांग ली जाए। जैसे ही वो एक घर पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया, बाहर एक लड़की निकल के आई। लड़का हड़बड़ा गया और उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने बोला, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? लड़की अंदर गई और सोचने लगी कि गरीब लोगों को पानी तो सब पिलाते हैं, हो सकता है उसको भूख भी लगी हो। उसने देखा रोटी तो नहीं है, लेकिन उसकी नज़र दूध पर पड़ गई। उसने एक गिलास दूध भरा और लड़के को दे दिया। लड़का दूध पीकर खुश हुआ, उसकी प्यास और भूख कुछ हद तक कम हो चुकी थी। लड़के ने कहा, दूध के लिए कितने पैसे दूँ? लड़की बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी माँ ने सिखाया है कि मुसीबत में लोगों की मदद करके उनसे पैसा नहीं लिया जाता है। ये मेरा कर्म था और मैंने इसे किया और इससे मैं बहुत खुश हूँ। वह लड़का वहाँ से निकल गया, लेकिन रास्ते में सोच रहा था कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अगर ढूंढा जाए तो ऐसे चेहरे और लोग भी सभी दिशाओं में मौजूद हैं। इस तरह की कई सकारात्मक और अच्छी बातें उसके दिल और दिमाग में चल रही थी। संघर्ष करते करते ये लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन वही लड़की अचानक बीमार हुई। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वहाँ से उनको किसी बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन जब इलाज के लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई तो डॉक्टर को पता चला कि अरे, ये तो वही लड़की है जिसने काफ़ी सालों पहले मेरी मदद की थी। अब मैं इसका अच्छे से इलाज करके और इसे ठीक करके ही इसका ऋण चुका सकता हूँ। जब सारा काम हो गया और लड़की का ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो एक बंद लिफाफे में उसको एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, आप पूरी तरह ठीक हैं और इस इलाज का पैसा तो आपने बरसों पहले एक गिलास दूध से चुका दिया है। लड़की की आंखों में आंसू थे और वो बोली, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन आप भगवान बनकर जीवन में आए। डॉक्टर ने कहा, जब हम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो एक दिन ये ब्याज सहित हमें वापस मिलता है। इसलिए आज के समय में हमें सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें वो खुशी मिलती है जो दुनिया की किसी महंगी से महंगी चीज़ से नहीं खरीदा जा सकती। और एक ना एक दिन हमारी की हुई लोगों की मदद अच्छा परिणाम लाती है। तो गाइस और अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।